देश में लागू हुए नए हिट एंड रन कानून के खिलाफ ट्रांसपोर्टर और ट्रक ड्राइवर हड़ताल पर चले गए हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 में हुए संशोधन के बाद हिट एंड रन के मामलों में दोषी ड्राइवर पर 7 लाख रुपए तक का जुर्माना और 10 साल तक कैद का प्रावधान है, जिसे लेकर आज बस ड्राइवर ट्रक ड्राइवर द्वारा विजयनगर चौराहे और राजमोला चौराहे पर भी बड़ा प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन कर रहे ड्राइवर्स ने चक्का जाम कर दिया। सूचना लगने पर पुलिस मौके पर पहुंची और प्रदर्शन कर रहे ड्राइवर्स को समझाइश देते हुए चक्का जाम खत्म करने को कहा, पर ड्राइवर्स नहीं माने तो पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर उन्हें चौराहे से हटाया, जिससे फिर से यातायात सुचारू हो सके। बड़ी संख्या में प्रदर्शन कर रहे ड्राइवर्स के कारण कुछ समय के लिए हंगामे की स्थिति बन गई थी, जिसे पुलिस ने समय रहते संभाल लिया। ड्राइवर्स की हड़ताल के मद्देनजर पुलिस लगातार पेट्रोलिंग कर रही है। वहीं जब थाना प्रभारी से प्रदर्शन को लेकर सवाल किया गया तो उनका कहना था कि प्रदर्शन कर रहे ड्राइवर्स को समझाइश देकर मौके से हटाया गया। हल्का हंगामा जरूर हुआ, लेकिन किसी पर लाठीचार्ज नहीं किया गया है। नहीं, ऐसी कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है कि जिसमें किसी की गिरफ्तारी करने की नौबत आती। हमारे द्वारा वो जो कि रोड ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे थे, हमारे द्वारा समझाया गया था, तो समझाइश के बाद ही वो इस बात को मान गए थे और ज्ञापन देके यहाँ से रवाना हो गए। नहीं, कोई लाठी चार्ज नहीं हुआ है उनके द्वारा, केवल रोड ब्लॉक करने की कोशिश की जा रही थी, तो हमारे द्वारा उनको इस बात को समझाइश दी गई है और कोई लाठी चार्ज की स्थिति नहीं है।